हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे नए लेक्चर सीरीज में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ऊपर। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जाहिर सी बात है हमें सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में ही पढ़ना होगा। अब देखिए, किसी भी सब्जेक्ट में जाने से पहले हमें उस सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, जिसे हम आमतौर पर इंट्रोडक्शन भी कहते हैं। तो पहला सवाल तो ये कि वॉट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, क्योंकि मैंने आमतौर पर लोगों को देखा है, दे डोंट नो वॉट आर कॉम्प्लेक्स नंबर, वॉट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, हाउ दे केम इन टू एग्जिस्टेंस, उन्हें नहीं पता है ना। वो बोल देते हैं कि a प्लस आई बी के फॉर्म में जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन कैसे होता है। तो आइए देखते हैं, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बहुत आगे तक जाने वाले हैं, तो हम पहले देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका एग्जिस्टेंस कैसे हुआ। आप सभी को दोस्तों ये पता होगा कि सबसे पहला जो हमारे पास नंबर सिस्टम था वो था नेचुरल नंबर सिस्टम। अब यदि हमारे पास नेचुरल नंबर सिस्टम था तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसका मैं आपको जवाब देने का तरीका थोड़ा अलग तरीके से ले रहा हूं। कि यदि याद करिए, मैं आपको एक एक्सप्रेशन दे रहा हूं, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, x प्लस ए इज इक्वल टू b, और मैं यहां पे आपको कंडीशन दे रहा हूं कि a इज ग्रेटर देन b। यदि ऐसा किया आपने, ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है दोस्तों, यदि इसमें आप a ग्रेटर देन b रखते हो तो मैं ये बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो नेचुरल नंबर तो नहीं आ सकता। आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैंने क्या कहा कि हमारे पास पहले कौन सा नंबर सिस्टम था, नेचुरल नंबर सिस्टम। मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि मेरे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है x प्लस a इज इक्वल टू b टाइप की, जहां पे a ग्रेटर देन b यदि हमने किया तो हमें इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा वो नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, यानी कि कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है, a ग्रेटर देन b वाला कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए। जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं आपको एक बार a लेस देन b का भी एग्जांपल दे देता हूं और एक बार आपको a ग्रेटर देन b का भी एग्जांपल दे दे रहा हूं नंबर के फॉर्म में। जैसे मैंने यहां पे ले लिया कि 2 लेस देन 3, ऑब्वियस सी बात है, और यहां पे मैंने लिख लिया 3 लेस देन 2। मैंने दोनों तरीके से करके देखा। तो देखिए, यदि मैं यहां पे इस इक्वेशन में a और b की जगह रखता हूं तो मैं क्या रखूंगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, और यहां पे मैं रखूंगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 2। यदि हम देखें तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया, और हम सभी जानते हैं कि 1 नेचुरल नंबर सिस्टम में बिलोंग कर रहा है, यानी कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें तभी तक वैलिड है जब तक a b से छोटा ले रहे हैं हम, यानी कि एक नेचुरल नंबर दूसरे नेचुरल नंबर से छोटा ले रहे हैं। याद रखना, a वाला नेचुरल नंबर छोटा है, b वाला नेचुरल नंबर बड़ा है। यदि हम बात करें यहां पे a ग्रेटर देन b के लिए, तो जरा गौर से देखिए, x बराबर 2 माइनस 3, एंड यू ऑल ऑफ यू नो दैट x इज इक्वल टू माइनस 1 नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट, सही बात है। तो यहां से हमें एक प्रेरणा मिली कि नहीं यार, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर इस तरीके का तो नहीं हो सकता जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए। तो हमने बोला हम क्या करें, तो हमने नेचुरल नंबर सिस्टम का एक्सटेंशन करके एक नया नंबर सिस्टम बनाया जिसका नाम हमने क्या दिया, इंटीजर्स। ये सब आप जानते होंगे दोस्तों, मैं सिर्फ आपको एक हल्का सा रिव्यू देना चाहता हूं, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बहुत बड़ी बड़ी थ्योरम्स, बहुत बड़ी बड़ी आइडियाज देखने हैं, तो आपको कम से कम बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए कि हाउ कॉम्प्लेक्स नंबर केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो आपने देखा, हमने नेचुरल नंबर सिस्टम के जो सेट को उसको किस सेट में बदल दिया, इंटीजर्स के सेट में बदल दिया, यानी कि हमने एक्सटेंशन कर दिया, एक बड़ा सेट बनाया। अब आप देख सकते हैं कि चाहे आंसर माइनस वन आए चाहे आंसर वन आए, दोनों ही इंटीजर्स के सेट में इन्वॉल्व है, यानी कि ये जो इक्वेशन है, अब मैं चाहे a लेस देन b के लिए सॉल्व करूं चाहे a ग्रेटर देन b के लिए सॉल्व करूं, मुझे उसका जो सॉल्यूशन होगा वो मेरे इस नए वाले सेट इंटीजर सेट में मिलेगा। अब यदि मैं बात करूं एक और तरीके की, मैं इक्वेशन एल्जेब्रिक इक्वेशन ले लेता हूं, मैंने ले लिया ए एक्स इज इक्वल टू बी टाइप की, तो अब जरा गौर से देखिए, यहां पे भी मैं कई केसेस बना सकता हूं, मैं ऐसे ही फिर से बनाऊंगा। a लेस देन b, a ग्रेटर देन b के लिए हम जरा देखते हैं, ठीक है ना, जरा गौर से देखिए। यदि मैं यहां पे नंबर्स के फॉर्म में लूं, मैंने a ग्रेटर देन b बोला तो मैंने ले लिया, मान लीजिए 4 ग्रेटर देन 2, ऑब्वियस सी बात है, यहां पे मैंने ले लिया 2 लेस देन 4, एक ही चीज लिखी है, बस अलग ढंग से लिखा है, लेकिन आपको समझना होगा कि एक बार a की वैल्यू 2 ली है और एक बार a की वैल्यू 4 ली है। एक और केस लेना चाहूंगा मैं कि एक बार a की वैल्यू मैं यहां पे लूंगा 3 और एक बार b की वैल्यू मैं यहां पे लूंगा कितना, 4, ठीक है ना। देखते हैं क्या होता है, जरा गौर से देखिए, यदि मैं इस इक्वेशन में रखूंगा, पहले वाले केस को देख रहे हैं, तो a की जगह मुझे क्या रखना है, 4, तो मेरे पास आ जाएगा 4x इज इक्वल टू
b और b की जगह मुझे क्या रखना होगा 2, तो मेरे पास x इज इक्वल टू 2/4 आएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 1/2। और हम सभी जानते हैं कि x 1/2 इज नॉट एन इंटीजर, इंटीजर तो ये नहीं होता है। यदि यहां पे मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास 2x इज इक्वल टू 4, सही बात है, जहां पे x बराबर मेरे पास 4/2 एंड x इज इक्वल टू 2, यस इट इज एन इंटीजर। मैं यदि यहां पे बात करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 4, जहां पे x इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 4/3, अगेन इट इज नॉट एन इंटीजर। तो आप एक बार जरा ध्यान से समझें, कुछ लोग केवल इस केस में ध्यान देते हैं। मैं आपको इसीलिए a लेस देन b वाले केस में मैंने नंबर चेंज करके भी आपको बताया, तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें मैं जब भी ऐसे केसेस ले रहा हूं तो सारे के सारे इंटीजर्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। यदि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं तो मैं बोलूंगा कि ये 1/2 क्या है, ये 1/2 इंटीजर्स में तो होता नहीं, ये 4/3 भी इंटीजर्स में होता नहीं है, सिर्फ 2 ही मिल रहा है, यानी कि सारे इंटीजर्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने में अनअवेलेबल है, यानी कि हमें ये पता लग गया कि इंटीजर सेट अभी भी अधूरा है। तो हमने इसका भी एक्सटेंशन किया और एक नया नंबर सिस्टम बनाया जिसको आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं, जिसको हम रैशनल नंबर बुलाते हैं, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर जिसका सिंबॉल हम लेते हैं क्यू, क्यू फॉर क्वेश्चन। All the rational number are in the form of P upon Q, where Q is a quotient and that's why we use the symbol Q, capital Q. अच्छा, लेकिन यदि मैं आपको कुछ ऐसे equations दे दूं, for example, मैंने आपको बोल दिया x square is equals to 3, मैंने आपको बोल दिया मान लीजिए x square is equals to 2, तो आप बताइए क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ पे हो जाएगा कितना √3, यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर √2, या फिर यदि आप नहीं समझ पा रहे तो आप जानते हैं कि ये rational numbers तो नहीं है, √2 एंड √3 आर नॉट रैशनल नंबर। और जिसको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये रैशनल नंबर नहीं, तो आप यहां पे ही देख के समझ सकते हैं, क्या ऐसा कोई रैशनल नंबर या ऐसा कोई इंटीजर या फिर ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। कहने का मतलब ये है किसी भी नंबर का स्क्वायर 3 नहीं हो सकता दोस्तों, किसी भी नंबर का स्क्वायर 2 नहीं हो सकता दोस्तों। क्यों? क्योंकि यदि मैं 1 का स्क्वायर निकालूंगा 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर निकालते मेरे पास सीधे 4 आ जाएगा, वेयर इज 2, 2 किसी का भी स्क्वायर नहीं हो सकता। ये दो सबसे छोटे नंबर लिए दोस्तों, और ये सब आप अच्छे जानते हैं, मैं केवल आपको एक हल्का सा रिवाइज करवा रहा हूं कि ऐसा कोई भी नंबर का स्क्वायर 3 नहीं आ सकता, किसी भी नंबर का स्क्वायर 2 नहीं हो सकता है, यानी कि ये जो दिए हुए नंबर हैं रैशनल नहीं है। तो हमने इनको क्या नाम दिया, हमने इनको नाम दिया इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। और इसके लिए हमने सिंबॉल यूज किया क्यू बार, बार का मतलब होता है दोस्तों नॉट, तो मैं क्या पढ़ूंगा इसको नॉट रैशनल, और जो रैशनल नहीं है वो कौन से नंबर हो जाएंगे, इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने देखा, फिर हमने और भी इसका एक्सटेंशन करके एक नया सेट बनाया, रियल नंबर सिस्टम। ये हमने एक सबसे बड़ा सेट बनाया, किसको एक्सटेंशन करके, हमने रैशनल नंबर को एक्सटेंशन किया और एक बहुत ही बड़ा सेट बनाया रियल नंबर, जिसमें हमने दोनों को रखा, रैशनल्स को भी रखा और इरेशनल्स को भी रखा, और ये हमारे पास आज की डेट में सबसे बड़ा नंबर सिस्टम अवेलेबल हो गया था, जिसमें हमें अपने सभी क्वेश्चंस के जवाब मिल रहे थे। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर हमारे पास नहीं रह पाई, हमारे पास कई तरीके की ऐसी इक्वेशन आई जो कि रियल नंबर में बिलोंग नहीं कर रही थी, जैसे कि मैंने और अलग टाइप की इक्वेशन आपके पास लिखी, एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप लोग बिल्कुल इन इक्वेशंस को आपने देखा होगा, मैं बिल्कुल ये बात नहीं कह रहा हूं कि आपने नहीं देखा होगा, वी आर जस्ट रिवाइजिंग दीज कॉन्सेप्ट सो वी कैन फर्दर मूव ऑन द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कॉन्सेप्ट। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब चलिए इसका रूट निकाल के देखते हैं, यदि इसका रूट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x square is equals to minus 1 and x is equals to under the root minus 1। अब यहां पे हमारी गाड़ी फंस गई, हम जानते हैं कि अभी तक हमारे पास रूट के अंदर जो भी पॉजिटिव क्वांटिटीज आती थी उन सबको हम बाहर निकाल लेते थे या तो रूट के अंदर छोड़ देते थे और उन्हें बोल दिया करते थे कि वो सारे के सारे नंबर कैसे नंबर हैं, इरेशनल नंबर है। लेकिन अभी तक हमने ऐसा कोई भी नंबर डील नहीं किया था जो कि रूट के अंदर नेगेटिव हो, जैसे एक और आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जरा सॉल्व करके देखते हैं, है ना, हमारे पास वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है आप सभी जानते होंगे मेरे ख्याल से, x बराबर कितना माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये सभी जानते हैं मेरे ख्याल से। और हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इस इक्वेशन से a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है। चलिए आइए इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में रख के देखते हैं, तो x बराबर मेरे पास आ जाएगा कितना माइनस 2
प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो देखिए 4 के साथ हमें a का और c का मल्टीप्लाई करना है, तो 4 3 जा 12 इंटू 1 यानी कि 12 अपॉन में 2a यानी कि 2। सही बात है। अब जरा गौर से देखिए x बराबर माइनस 2 प्लस माइनस अंडर द रूट हम अच्छे से जानते हैं हमारे पास आ गया माइनस 8 बाई 2। फिर से हमने देखा कि रूट के अंदर कौन सी क्वांटिटी आ चुकी है, नेगेटिव क्वांटिटी आ चुकी है। हम इन चीजों का आंसर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, हम फिर से फंस रहे हैं, आप देख सकते हैं। तब यहीं से हमें प्रेरणा मिली यार कि नहीं यार, रियल नंबर के सिस्टम को भी अभी हम पूरा तरीके से ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास सारे नंबर अवेलेबल हो गए, तो यहां से रियल नंबर सिस्टम के एक्सटेंशन की जरूरत पड़ी। उसी समय एक साइंटिस्ट है ना, या फिर आप उन्हें एक मैथमेटिशियंस कहें ज्यादा बेटर होगा, एल यूलर, बिल्कुल आपने नाम सुना होगा, जितने भी मैथमेटिक्स के बच्चे हैं ऐसा हो ही नहीं सकता जिन्होंने यूलर्स, इन्हें लोग बाग ऑयलर्स के नाम से भी बुलाते रहते हैं, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकता है, मैं यूलर बुला रहा हूं, आपको जैसा सही लगे वैसा बुलाइएगा। तो एल यूलर भाई साहब ने आया और एक सिंबॉल प्रेजेंट किया, एक सिंबॉल को इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने कहा कि रूट माइनस वन इज नथिंग बट आई एंड आई इज नोन एज आयोटा, इन्होंने ये कहा। और जैसे ही भाई साहब इन्होंने ये चीज हमें ला के दी कि रूट ओवर माइनस वन आयोटा होता है, तो आप जरा गौर से देखिए मैं इस इक्वेशन का आंसर निकालने जा रहा हूं। तो मेरे पास x इज इक्वल टू क्या आ गया, रूट माइनस वन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, आयोटा। यहां पे भी जरा देखिए इस इक्वेशन में जरा गौर से देखिए, मैं यहां पे क्या लिखूंगा, x बराबर माइनस टू प्लस माइनस, अच्छा आप अच्छे जानते हैं 8 तो क्यूब होता है, एक 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर बचेगा माइनस 2 और माइनस वन इंटू माइनस टू, माइनस वन इंटू टू लिख सकता हूं अपॉन में 2। तो x बराबर मेरे पास आ गया माइनस 2 प्लस माइनस 2 और हम अच्छे से जानते हैं कि ये 2 बाहर नहीं आएगा और रूट माइनस 1, आप गौर से देखें रूट माइनस 1 क्या हो जाएगा, आयोटा है ना, मैं रूट को सेपरेट कर सकता हूं इस तरीके से, रूट माइनस 1 रूट 2, तो रूट माइनस 1 मेरे पास क्या आ गया है, आयोटा, और ये कितना हो गया रूट 2 और अपॉन में क्या चल रहा है 2। यदि मैं इसको सेपरेट कर दूं तो माइनस 2 बाय 2 प्लस माइनस 2 आयोटा रूट 2 बाय 2, आप देख सकते हैं 2 से 2 गया, यहां पे भी 2 से 2 आप कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, माइनस 1 प्लस माइनस कितना हमारे पास बचा, आई रूट 2, ठीक है ना, मेरे ख्याल से सही किया मैंने, हाँ तो ये हमारे पास आई रूट 2 बचा है। अब जरा गौर से देखिए, जैसे ही आयोटा का इंट्रोड्यूस हुआ यूलर के द्वारा हमें इस इक्वेशन की वैल्यू मिल गई। बोले सर आप कैसे बोल सकते हैं कि ये वैल्यू सही है या गलत है, देखिए अभी तक हमारे पास इस इक्वेशन में ऐसा कोई रियल नंबर है क्या जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए, नहीं है। यदि रियल नंबर नहीं है तो जरा गौर से देखिएगा, हमारे पास जो यूलर साहब ने आयोटा लाया, आयोटा अपनी एक प्रॉपर्टी को लेके भी आया साथ में, यदि मैं इस रूट को वापस आयोटा में भेजूं तो क्या मुझे आयोटा स्क्वायर मिल जाएगा, और आयोटा स्क्वायर मिल जाएगा तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी बचेगी यहाँ पे, माइनस वन। जाएगा और से देखिए रूट को मैंने उस साइड भेज दिया है तो मेरे पास यहाँ पे आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन आ गया। अब मैं जरा से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराता हूँ, चेक करता हूँ कि सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, मैं यदि LHS उठाऊं, LHS उठाया मैंने देखा एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखा हुआ है, एक्स की जगह मुझे क्या रखना है दोस्तों, एक्स इज इक्वल टू आयोटा, तो मैंने यहां पे आयोटा रखा, मेरे को मिल गया आयोटा स्क्वायर प्लस वन, बट वी नो आयोटा स्क्वायर इज नथिंग बट वॉट माइनस वन, तो मैंने यहां पे रखा माइनस वन प्लस वन एंड वी गेट जीरो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखिए दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जैसे ही आयोटा का इंट्रोड्यूस्ड हुआ हमें इन इक्वेशंस के भी आंसर मिल गए। आप इसको भी सेटिस्फाई करा सकते हैं या आप एज अ होमवर्क ले सकते हैं मेरे तरफ से, आप सेटिस्फाई करा के देखिए, आप इसमें रख के देखिए, आपको एग्जैक्टली 0-0 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास और भी नंबर्स हैं जो कि इस फॉर्म में होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, जरा गौर से देखिए, एक्स इज इक्वल टू ये क्या बोलूंगा मैं इसको, ए प्लस माइनस आई बी फॉर्म में होते हैं, और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी के फॉर्म में होता है, नहीं सर नहीं, आप देखिए सर यहां पे तो क्या लिखा हुआ है, सिर्फ x बराबर आई, तो मेरे भाइयों जरा गौर से देखिए क्या x बराबर आई को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 0 प्लस 1 आयोटा, क्या a प्लस आई बी के फॉर्म में आपको दिखने लग गया कि नहीं दिखने लग गया, मेरे ख्याल से आपको दिखने लग गया होगा, तो हमें समझ में आ गया ओके, यानी कि जितने भी नंबर्स हैं उन्हें ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जीरो का मल्टीप्लाई बस कर दिया, जीरो को ऐड करने से कोई मतलब है नहीं, वापस आयोटा मिल ही जाएगा।
तो हमारे पास हमने देखा कि रियल नंबर सिस्टम्स के जितने भी रियल नंबर्स हैं, जितने भी रियल फंक्शंस हैं, उनको हम a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि रियल नंबर सिस्टम किसी के अंडर में काम कर रहा है, यानी कि सबसे बड़ा नंबर सिस्टम यहीं से अस्तित्व में आया, जिसको हमने एक हिस्टोरिकल नेम हम जानते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। इसी को हमने क्या कहा, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हम पहले नेचुरल नंबर सिस्टम में थे, नेचुरल नंबर के सिस्टम के एक्सटेंशंस के बाद हम यहाँ पे आए इंटीजर्स के सेट में, और इंटीजर नंबर सेट के एक्सटेंशन के बाद हम आए रैशनल नंबर के सेट में, और रैशनल नंबर के साथ हमने इरेशनल्स को पता लगाया, और इन दोनों सेट को कंबाइन करके हमने रियल नंबर का सेट बनाया, और रियल नंबर के सेट के एक्सटेंशन के बाद हमें कौन सा नंबर सिस्टम मिल गया, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम मिल गया दोस्तों, है ना। अब आप सोच रहे होंगे क्या सर ये हर जगह अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं ये सारी क्वेश्चंस तो जो मैंने उठाई इसमें हमने आयोटा का यूज किया, क्या सर ऐसी भी इक्वेशन है जिनमें आयोटा का यूज ना करें तो भी उन्हें ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। जैसे कि आप देख लीजिए, यदि मैंने लिखा, मान लीजिए कोई भी इक्वेशन उठा लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मैंने कहा 149 या 147 ले लीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर आप 3 को नीचे भेजेंगे कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12 और 2 बचेगा 3 9 जा 27, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 आपके पास आ चुका है। तो यदि आप देखें तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर द रूट 49, वी गेट हेयर x बराबर प्लस माइनस 7, 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, तो x बराबर प्लस माइनस 7 आया, यानी कि हमारे पास क्या आया कि x इज इक्वल्स टू 7 या फिर x इज इक्वल्स टू माइनस 7। बोले सर ये तो आ गया, ठीक है a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख के दिखाओ। बिल्कुल सही, जो आप सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैं इसको वापस कैसे लिख दूंगा, x बराबर 7 प्लस 0i और x बराबर माइनस 7 प्लस 0i। तो मेरे ख्याल से आप देख रहे होंगे दोस्तों कि अब हमारे पास कोई भी इक्वेशन हो हम उसका आंसर a प्लस आई बी के फॉर्म में ला सकते हैं। इस तरीके से हमें पता चला कि एक बहुत बड़ा नंबर सिस्टम हमारे पास आज के डेट में अवेलेबल है, जिसका हमने नाम दिया कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। और यूलर्स के बाद जो हमारे पास एक आए सी एफ गॉस ने भी क्या किया, यूलर्स को फॉलो किया। उन्होंने जहां जहां रूट माइनस वन था वहां वहां उन्होंने आयोटा लिया, यानी कि जो गॉस है, मैंने गॉस बोल दे रहा हूं अभी फिलहाल, कुछ देख ले, गॉस ने किसको फॉलो किया, यूलर्स के लॉस को फॉलो किया। गॉस वो इंसान है जिन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में ज्योमेट्रिकल अप्रोच बहुत सारे दिए। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो कि इन्होंने यूलर को फॉलो किया और इनको फॉलो हम कर रहे हैं, है ना। जितने भी मैथमेटिशियन है वो सब यूलर के इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं। और गॉस वो माने जाने इंसान है, आपने इनकी बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, गॉस थ्योरम एंड सो मेनी थिंग्स, इन्होंने फिजिक्स में बहुत योगदान दिए। तो जैसे ही आप गॉस के बारे में जानेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इन्होंने ही ये बात कही थी कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके कॉफिशियंट रियल हो, देखिए कॉफिशियंट यानी क्या, एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट कितना है 1, जो कि एक रियल नंबर है, x का कोफिशिएंट कितना है 2, जो कि एक रियल नंबर है। तो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन जिसके कोफिशिएंट रियल हैं, हम उन्हें a प्लस ib के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि दे कैरी कॉम्प्लेक्स रूट्स। हर इक्वेशन का जो रूट होता है वो कॉम्प्लेक्स रूट होता है, लिखने की बस देरी, आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स रूट, आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स रूट। तो हर इक्वेशन जिसमें कॉफिशियंट्स रियल हम यूज कर रहे हैं, और रियल के अलावा और क्या यूज करेंगे आप, इमेजिनरी तो हम यूज करेंगे अब इस नंबर सिस्टम में, अभी तक जितने भी यूज कर रहे थे सारे के सारे कौन से थे, रियल नंबर वाले थे। तो रियल नंबर के जितने भी कॉफिशियंट वाले हम इक्वेशंस यूज कर रहे हैं, उन सभी का जो आंसर होगा वो एक कॉम्प्लेक्स रूट हो सकता है, ये हमें गॉस सर ने बताया। तो शॉर्टकट में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि यूलर ने इस सिंबल आई को इंट्रोड्यूस किया उसकी प्रॉपर्टी के साथ कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस वन होती है, और उन्होंने इस आई को कहा कि इट इज नथिंग बट अ इमेजिनरी यूनिट। इसका उन्होंने नाम क्या रखा, इमेजिनरी यूनिट। पहली बात मैं एक बात क्लियर कर देना चाह रहा हूं, मैं इतने सालों से देख रहा हूं इन चीजों को, मैं पढ़ रहा हूं लोगों के साथ डिस्कशन में कर रहा हूं, तो मैं ये देख रहा हूं कि इमेजिनरी यार आपकी सोच वाला इमेजिनरी नहीं है, ये बिल्कुल इसकी बुनियाद उतनी ही मजबूत है जितनी रियल नंबर सिस्टम्स की है। तो याद रखना इमेजिनरी इसको जो नाम दिया गया वो हिस्टोरियंस के द्वारा गया, यानी कि आपके इतिहास ने, हमारे इतिहास ने, आपकी हिस्ट्री ने ही इसको क्या नाम दिया, इस नंबर आई को इमेजिनरी। देयर इज नथिंग इमेजिनरी इन दिस, ओके, इट इज एज कॉन्क्रीट एज रियल। ये बिल्कुल रियल की तरह उतना ही मजबूत है, उतना ही मजबूत सिस्टम है जितना इमेजिनरी नंबर सिस्टम होना चाहिए, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं हम, रूट माइनस वन इज इक्वल टू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। अब हम यदि देख रहे हैं कि
कॉम्प्लेक्स नंबर के सिस्टम की जो बुनियाद है वो किसके कारण आ रही है, इस आई के कारण आ रही है। तो पहले तो इस आई के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, डेफिनेशन क्या होगी, बहुत ही आसान होगी दोस्तों, बिल्कुल आप लोगों ने पढ़ी होगी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आयोटा और इमेजिनरी रूट। तो मैं ये बोलूंगा स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर इज कॉल्ड एन इमेजिनरी नंबर, है ना, इमेजिनरी यूनिट के साथ आप इमेजिनरी नंबर ही बोल सकते हैं इसे, इमेजिनरी यूनिट। तो ये हो गई हमारी आयोटा की डेफिनेशन, जहां पे हमारे पास आयोटा इज नथिंग बट रूट ओवर माइनस वन। एंड अब देखिए, जरा गौर से देखिए, यदि आयोटा बराबर रूट ओवर माइनस वन है तो क्या मैं जब इधर करूंगा तो क्या आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे को माइनस वन मिल जाएगी। और देखिए आगे, मैं आयोटा क्यूब की वैल्यू यदि आपसे पूछूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा क्यूब, जस्ट मल्टीप्लाई द आयोटा इन दिस टर्म, आपने आयोटा स्क्वायर निकाल लिया है, इसमें आयोटा का मल्टीप्लाई कीजिए तो आई इंटू माइनस वन क्या माइनस आयोटा हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं आयोटा की पावर फोर निकालिए, तो आयोटा की पावर फोर कैसे निकालेंगे, जरा गौर से देखिए, इसमें आयोटा का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आयोटा का मल्टीप्लाई करते ही कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है माइनस वन, तो माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा वन। मैं यदि आपसे पूछूं आयोटा की पावर फाइव, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर फाइव, जस्ट मल्टीप्लाई आई, इसमें आप आई मल्टीप्लाई कीजिए आयोटा की पावर फोर में, तो आपको आयोटा की पावर फाइव मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा वन इंटू आई इज नथिंग बट आई। आप आयोटा की पावर सिक्स यदि कोई आपसे पूछे क्या करेंगे, आप फिर से आयोटा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, और वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी माइनस वन। यदि आपसे कोई पूछ रहा है आयोटा की पावर सेवन, तो आप क्या करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो आपको क्या मिल जाएगा माइनस आयोटा। आप फिर से यदि मैं आपसे पूछूं आयोटा की पावर एट कितनी होगी, तो बताइए क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर एट, इसमें फिर से आयोटा का मल्टीप्लाई कीजिए, तो आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन, माइनस वन और माइनस हो जाएगा प्लस वन। इस तरीके से आप आयोटा की पावर को सो ऑन बढ़ा सकते हैं। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, जरा गौर से देखिए, यहां पे आयोटा मिला, उसके बाद आपको फिफ्थ पोजीशन पे भी आयोटा मिला, गौर से देखिए, फर्स्ट पोजीशन में जो आयोटा मिला वही आपको फिफ्थ पोजीशन में आयोटा मिला, सेकंड पोजीशन में जो आयोटा था वो आपको सिक्स्थ पोजीशन में मिला। अब आप सर कहना क्या चाह रहे हो, जरा गौर से देखिए, पहली पोजीशन के बाद डायरेक्ट कौन सी पोजीशन में मिला, पांचवी पोजीशन में, और फाइव माइनस वन करो फोर्थ, यानी कि इसके बीच की टोटल कितनी पोजीशन थी, चार पोजीशन के बाद वैल्यू को वापस क्या आ गई आई, और आई का मतलब होता है रूट ऑफ माइनस वन। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सेकेंड पोजीशन में थी माइनस वन, और उसके बाद फोर्थ पोजीशन के बाद यदि मैं फोर्थ पोजीशन आगे बढ़ूंगा तो क्या कौन सी आएगी सिक्स्थ पोजीशन, तो सीधे सेकेंड पोजीशन से सिक्स्थ पोजीशन में हमें वैल्यू क्या मिली माइनस वन, थर्ड वाली पोजीशन में जो वैल्यू आई वही चीज हमें सेवेंथ वाली पोजीशन में मिली, फोर्थ में जो वैल्यू आई वही चीज हमें एट्थ पोजीशन में मिली, यानी कि हर बार चार पोजीशन के बाद आप देखिए वैल्यूज क्या हो रही है रिपीट हो रही है, है ना, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि आयोटा की किसी भी मैक्सिमम पावर को, किसी भी मैक्सिमम पावर को मैं सिर्फ इन चार नंबर्स में लिख सकता हूं, कौन कौन सी, आयोटा माइनस वन, माइनस आयोटा एंड वन, ये चार वैल्यूज से मैं आयोटा की किसी भी मैक्सिमम डिग्री वाली पावर को सॉल्व कर सकता हूं, मुझे इन्हीं चार में से कोई ना कोई आंसर मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हो गई आयोटा की बात, आपको आयोटा की बात यदि ये समझ में आ गई है तो आपको ये भी समझ में आएगा फिर कि यदि मैं कल को ये कहूं कि आयोटा की पावर दिया हुआ है मुझे 4q+r, है ना, ये आप अच्छे से जानते होंगे 4q+r, जिसने 10th क्लास 11th क्लास पढ़ी होगी वो अच्छे से जानता होगा, इट इज नथिंग बट यूक्लिड्स लेमा, यूक्लिड्स लेमा, यूक्लिड्स लेमा हमें क्या कहता था याद होगा आपको, कि डिवाइजर इंटू कोशेंट, डिवाइजर में मल्टीप्लाई करें कोशेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड, है ना, इसको डिविजन एल्गोरिदम बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, ये सब छोटी मोटी चीजें मैं हल्का सा आपको रिमाइंड करा रहा हूं कि कहां से कॉन्सेप्ट लिया गया। तो आई बराबर 4q+r को यदि आप गौर से देखना चाहते हैं, मैं फिर से आपको ये कह दे रहा हूं कि आई बराबर 4q+r यदि आपसे कोई पूछे तो आप क्या करेंगे, ये 4q+r क्या है, इट इज नथिंग बट दी 4 टाइम्स q प्लस रिमाइंडर, यानी कि 4 टाइम्स
4 से कितना डिवाइड किया गया है q को और कितना रिमाइंडर बच रहा है। तो ये बताइए, यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, i की पावर 4q इंटू i की पावर r, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? आप अच्छे से जानते हैं जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाएगी, वापस मुझे यही मिल जाएगा। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, i इंटू 4 की पावर q इंटू i की पावर r? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों वापस मल्टीप्लाई होकर i की पावर 4 की बन जाएंगे। i की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 1 होती है, यानी कि मेरे पास आ जाएगा 1 की पावर q इंटू i की पावर r, यानी कि और 1 की पावर q मतलब क्या होता है, 1 ही होगा, तो 1 इंटू i की पावर r विच इज नथिंग बट i की पावर r, और यहां पर क्या चल रहा है इस साइड, लेफ्ट साइड में 4q प्लस r, यानी कि 4 से डिवाइड करने पर क्या बचा, 4 से q टाइम्स डिवाइड करने पर क्या बचा, रिमाइंडर बचा, और वही रिमाइंडर हमें सोचना है, वही हमारा आंसर होगा। जैसे कि यदि मैं कल को आपसे बोलूं कि i की पावर 31 को सॉल्व कर दीजिए, तो आपको 31 को किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, तो जरा 4 से डिवाइड करने पर, 4 से 4 लिख दूं यहां पे, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, अरे 4 ही तो भैया डिवाइजर है आपका, पूरी तो आपका डिवाइजर है, तो डिवाइजर इनटू कोशेंट, कितनी बार डिवाइड किया, तो 4 से कितनी बार डिवाइड करोगे, तो 4 7 28 होता है, 4 7 28 हो गया 29 30 31, कितना रिमाइंडर बचा, 3 बचा। तो यानी कि हमें पता है कि ये तो i की पावर 4 है, और i की पावर कितना हो जाएगा, 4 1 हो जाएगा, और 1 की पावर 7 1 ही हो जाएगा, कुल मिला के हमारे पास बचेगा i की पावर 3, और i की पावर 3 आप सभी जानते हैं कितना होता है, i की पावर 3 होता है माइनस आयोटा, मैंने यहां पे लिख दिया माइनस आयोटा, यानी कि i की पावर 31 की वैल्यू क्या होगी, माइनस आयोटा होगी। तो मेरे ख्याल से यहां से आपको इमेजिनरी नंबर के कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे कि ये है हमारे इमेजिनरी नंबर, फिर से मैं बोल रहा हूं इमेजिनरी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जितनी मजबूत बुनियाद हमारे रियल नंबर सिस्टम की है, एज कॉन्क्रीट एज इमेजिनरी नंबर भी बिल्कुल उसी के जैसा काम करता है। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इमेजिनरी नंबर के बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन, और कॉम्प्लेक्स नंबर में हम आगे मूव ऑन कर जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि यदि आप और चाहते हैं कि मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में और आगे बढ़ूं, बड़ी बड़ी थ्योरम्स आपको कराऊं, गॉर्सेट थ्योरम, काउची इंटीग्रल थ्योरम, है ना, आप सभी जानते होंगे, जो लोग भी इस कोर्स को कर रहे हैं वो अच्छे से जानते होंगे कि उसमें कौन सी बड़ी बड़ी थ्योरम्स होती हैं, तो वो सारी थ्योरम मैं कराऊंगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको मेरा ये जो नया चैनल है इसको आपको सब्सक्राइब करना होगा, ज्यादा शेयर करना होगा। मैं जैसे ही देख लूंगा कि इसमें बहुत जल्दी लाइक्स आ रहे हैं, बहुत जल्दी शेयर हो रहा है, बहुत जल्दी सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं, मैं आपसे वादा कर रहा हूं उतनी जल्दी आपके पास नेक्स्ट वीडियो आएगा और भयंकर कॉन्सेप्ट के साथ और थ्योरम्स के साथ। चलिए, जितना भी अभी तक आपन ने पढ़ा है इस लेक्चर में, आपन उसको एक बार शॉर्ट में ही रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको डिफिकल्ट ना हो कि हमने क्या पढ़ा है। जरा देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास एक नंबर सिस्टम था जिसको हमने क्या नाम दिया था, नेचुरल नंबर सिस्टम। उसके बाद हमने एक इक्वेशन लाई थी, कौन सी थी वो, एक्स प्लस ए इज इक्वल टू बी, और हमने कहा कि यदि आप इस इक्वेशन में ए ग्रेटर देन बी करते हो तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो एक नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो हमने क्या किया कि हमने एक्सटेंशन किया नेचुरल नंबर सिस्टम का, और हमने नेचुरल नंबर का सिस्टम का एक्सटेंशन करके क्या बना दिया, इंटीजर सिस्टम बना दिया। फिर इंटीजर सिस्टम्स को भी हम सॉल्व करते गए तो हमने देखा कि अब हमारे पास वो सारे नंबर्स मौजूद हैं, वो सारे सॉल्यूशन मौजूद हैं इसके लिए, चाहे आप ए लेस देन बी करो, चाहे आप ए ग्रेटर देन बी करो। उसके बाद हमने एक और इक्वेशन फॉर्म देखी, ए एक्स इज इक्वल टू बी, यहां पे भी हमने एक बार ए लेस देन बी करके देखा, ए ग्रेटर देन बी करके देखा, जहां पे हमने ए लेस देन बी के भी दो अलग अलग कॉन्सेप्ट देखे, एक बार हमने नंबर्स को सेम रखा, एक बार हमने नंबर्स को डिफरेंट कर दिया। तो हमने देखा कि सारे के सारे इंटीजर्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई तो नहीं कर पा रहे थे, यानी कि इनका जो सॉल्यूशन है इस वाली इक्वेशन का, वो इस सेट इंटीजर्स में मौजूद नहीं था। हमने बोला हमें और एक्सटेंशन की जरूरत है, तो हमने इसको तुरंत एक्सटेंशन किया, और हमने क्या बना दिया, इसका रैशनल नंबर सिस्टम बना दिया। रैशनल नंबर सिस्टम में हमने जैसे एक्सटेंशन किया, अब हमारे पास ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस के सारे सॉल्यूशंस मौजूद थे किसमें, रैशनल नंबर के सेट में, रैशनल नंबर सिस्टम में मौजूद थे। फिर हमने देखा कि कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं जैसे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5, इस तरीके की जो इक्वेशंस थी, यानी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर 2 नहीं हो सकता, किसी भी नंबर का स्क्वायर 3 नहीं हो सकता। तो हमने इनको क्या बुलाया कि ये और कोई नहीं, ये जो नंबर्स हैं जो नए
तरीके के जो नंबर्स हमने निकाले इनको हमने नाम दिया इरेशनल नंबर सिस्टम, मीन्स विच आर नॉट रैशनल नंबर्स, दे आर नोन एज इरेशनल नंबर। और यदि ये इरेशनल नंबर्स थे तो हमने इनके लिए सिंबल यूज किया क्यू बार, और बार का मतलब होता है नॉट, तो हमने यहाँ पे यूज किया है नॉट रैशनल, तो जो रैशनल ना हो वो क्या हो जाएंगे इरेशनल। उसके बाद हमने एक नया नंबर सिस्टम बनाया जिसको हमने नाम दिया रियल नंबर सिस्टम, और रियल नंबर सिस्टम नाम देते ही हमने इन दोनों बड़े सेट्स को इसी के अंदर कंटेन कर लिया, रैशनल्स को भी और इरेशनल नंबर सिस्टम्स को भी कंटेन कर लिया, हमारे पास ये बड़ा नंबर सिस्टम आ गया। लेकिन फिर हमने देखा कि यार और भी ऐसी इक्वेशंस हैं, ऐसी एलजेब्रिक इक्वेशंस हैं, एलजेब्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिनका सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद नहीं है रियल नंबर सिस्टम में, यानी कि ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं था जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए, ऐसा कोई भी रियल नंबर सिस्टम नहीं था या रियल नंबर नहीं था जो कि इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर पाए। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, मैंने सिर्फ वो लिखे हैं जो आज आपन ने पढ़े। तो ऐसे बहुत सारी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी जिनका रियल नंबर में तो आंसर नहीं था, और उसी समय हमारे पास एल यूलर नाम के एक मैथमेटिशियन आए जिन्होंने आयोटा को इंट्रोड्यूस कराया, आई को इंट्रोड्यूस कराया जिसको नाम उन्होंने आयोटा दिया, और उन्होंने कहा कि ये और कुछ नहीं एक इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर या फिर इमेजिनरी यूनिट है। और फिर हमने इसकी डेफिनेशन देखी कि डेफिनेशन क्या होती है, तो हमने डेफिनेशन देखी कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव रियल नंबर इज नोन एज इमेजिनरी नंबर। और फिर हमने आखिरी में ये बात चर्चा करी कि आयोटा की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि यदि आयोटा होता है रूट ओवर माइनस वन तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन, और इस तरीके से हमने देखा कि आयोटा क्यूब क्या होगा, आयोटा की पावर फोर क्या होगा, इस तरीके से हम निकालते चले गए, और हमने एट लास्ट में ये फाइनली पता लगा लिया कि माइनस आयोटा, माइनस वन, वन एंड आयोटा, दे आर ओनली फोर नंबर्स विच आर अगेन एंड अगेन रिपीटेशन में आ रहे हैं, बार बार रिपीटेशन में आ रहे हैं, हर चार के बाद रिपीट हो रहे हैं। तो हमने बोला यही चार नंबर हैं जो कि आयोटा की मैक्सिमम पावर को दिखा सकते हैं। तो हमने इसका एक तरीका बनाया जो हमने लास्ट में किया, आई बराबर फोर टाइम्स क्यू प्लस आर, जिसका हमें वैल्यू मिल जाती है आई बराबर आर, यानी कि किसी भी नंबर को जो भी हमें आयोटा की पावर निकालनी है उसको फोर से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचे बस उस रिमाइंडर में आप देखोगे कि इन्हीं चार में से कोई ना कोई वैल्यू अवेलेबल होगी। बाकी आगे का जो लेक्चर है हम आगे देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन के साथ।